दादा बेटी के बदले माँ। सासू माँ, रूल के अनुसार दुल्हन को दूध का ग्लास लेकर आना चाहिए ना। रूल? हाँ। आई लाइक दैट। श्रुति आ रही है, आ रही है। इस घर में कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। वही समझाने के लिए मम्मी पहले आई है। रूल नंबर वन, तुम घर के बाहर ही मेरी बेटी के पति रहोगे, घर के अंदर तुम सिर्फ मेरे असिस्टेंट रहोगे। रूल नंबर टू, गलती से यह जानकर भी तुम्हारा हाथ मेरी बेटी के शरीर पे पड़ा तो उस हाथ को हम काट देंगे। यही सब करवाना था तो मेरे पिताजी के पैर पकड़ कर शादी क्यों करवाया? तुमसे शादी करने का मतलब ये नहीं समझना कि मेरी बेटी को कोई लड़का नहीं क्या? मिला। इसके पिता ने मरते मरते अपने मित्र के लड़के के साथ यानी तुम्हारे साथ शादी कराने की शर्त रखी थी। 5 साल तुम्हारे साथ गृहस्थी चलाने के बाद ही उनकी जायदाद इसे मिलेगी। वसीयतनामा लिख कर मरा है। अच्छा, तो आपके पैसों के लिए मैं जोरू का गुलाम बन जाऊँ? नहीं तो क्या, तुमसे प्यार करने के लिए शादी की है मैंने। रूल नंबर थ्री सुनो, तुम कुछ एक्स्ट्रा किए बिना ही यहाँ चुपचाप पड़े रहोगे और तुम्हारी फैमिली की जिम्मेदारी अब से हमारी, और इसलिए तुम्हें घर जमाई बना कर लाए। घर जमाई? आइला, मेरे बाप ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। हमने तुम्हें ये बात कहने से उन्हें मना किया था। अब मेरी क्या पोजीशन है? मुंह बंद करके गुड बाय की तरह हमारा कहना मानकर पड़े रहो। 5 साल बाद डिवोर्स पेपर पर साइन करके अपना रास्ता देख। बहुत हो गया, ज्यादा डायलॉग मतलब टाइम वेस्ट। सीन तो समझ में आ गया। हाँ सासू माँ, बाहर जाकर दरवाजा बंद कर देना। क्यों, आधी रात को उस पर हाथ डालने के लिए? नहीं नहीं, सुहाग रात नहीं होने पर भी फीलिंग मिस ना हो जाए, इसीलिए जाइए ना प्लीज। I'm on a diet. दूध या मलाई ये सब मैं नहीं खाऊंगी। तो फिर इतना सारा ये फूल, ये फल, ये सेटअप किस लिए? बाहर आपके रिश्तेदार है ना, उनकी फील के लिए। एनीवे, मुझे नींद आ रही है। आई एम गोइंग टू स्लीप। अगर रात को मूड में कुछ हो गया तो सीसीटीवी कैमरा। सुहाग रात के कमरे में सीसीटीवी कैमरा? तुम्हारी माँ डीवीडी बनाकर बेचेगी क्या? कॉफी? हाँ, मेरे लिए कॉफी और श्रुति के लिए हॉर्लिक्स बना दो। अरे यार। हेलो, किचन ऊपर नहीं, किचन नीचे है। जल्दी बनाओ। श्रुति, सुबह सवेरे इतनी मेहनत क्यों? तो क्या, मिस इंडिया टाइटल क्या फ्री में मिलती है? मेरी बीबी बनने के बाद भी इनको मिस इंडिया बनना है। क्या कहा? कुछ नहीं, यही कि अगर ये मेहनत छोड़कर योगा करोगी तो तुम्हारा फिगर और अच्छा हो जाएगा। आई नो, मैं एक अच्छी योगा टीचर ढूंढ रही हूँ। अरे मैं हूँ ना टीचर, क्यों? तुम? हाँ। तुम योगा जानते हो? अरे ऐसा वैसा नहीं, रामदेव बाबा का चेला हूँ। हाँ, तो सिखाओ मुझे। Why not? एक मिनट। Impressive. Come on. मम्मी! क्या हुआ बेबी? योगा सिखाएंगे कहकर मेरी कमर तोड़ डाली मम्मी। नहीं नहीं, मैंने मैंने कुछ नहीं किया, सच में मैंने मैंने कुछ नहीं किया। ये तुमको मिस इंडिया नहीं बनने देगा, तुमको डिसेबल बनाकर अपनी मुट्ठी में रखने का प्लान है इसका। अकॉर्डिंग टू माय रूल बुक क्लॉज नंबर 69, हमें मर्द की बातों को सुनना ही नहीं चाहिए, इसे हमारी बात सुननी पड़ेगी। हमारे देने पर ही वो खाएगा और हमारी गाली भी सुनेगा। ओके मम्मी, मैं लाइफ में कभी इससे फोन पर भी बात नहीं करूंगी। आई विल नेवर रिपीट दिस अगेन, आई विल नेवर लिसन टू हिम। ओके मम। अंदर क्या कर रहे हो? कोई भी आदमी बाथरूम में क्या करता है? बाथरूम में हो मुझे मालूम तो होना चाहिए।
तुम अंदर आके हेल्प करती क्या? इट्स ओके, मुझे थोड़ा हेल्प करोगे? क्या करना है? ये स्टक हो गया, इसे खोलने में थोड़ा मदद करोगे? जल्दी। हाँ आ रहा हूँ। आग बंद करो, जब तक ना बोलूं आग नहीं खोलना। ओके ओके ओके। श्योर? वहाँ नहीं, ऊपर। तुमने देखा? हाँ देखा। तुमने देखा? हाँ देखा। सच्ची तुमने देखा? हाँ देखा, मैंने देखा। हमेशा तुम झूठ बोलते रहते हो, इस बार तुमने झूठ नहीं बोला, सच बोला, इसलिए तुम बच गए, नहीं तो मम्मी को बुला के तुम्हारी चमड़ी उधार देती। तुम यहाँ? तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ। मेरा वेट कर रही है? वाह, आज तो मेरे भाग्य खुल गए। वैसे आज का स्पेशल क्या है? पीली दाल, पापड़, बैगन की सब्जी, सांभर। आज तुम्हारी मम्मी का बर्थडे क्या? नहीं तो, मेरे पास एक डॉगी थी, उसका नाम था रोजी, उसका आज डेथ डे है। वो मुझे बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने इसे बनाया। कुत्ते के लिए पार्टी हो रही है, ले बेटा तू भी खा ले, इनके कुत्ते के नाम पे। ये सब खा के तुम जल्दी से टेस्ट करके बताओ कैसा है। हाँ अच्छा ही होगा। ये कैसा है? और थोड़ा लो, और थोड़ा, खाओ खाओ। कैसा है? खाओ। कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा? बहुत अच्छा, लाजवाब, लाइफ में कभी नहीं खाया ऐसा। What happened? He is a cheater. मुझे झूठ बोल रहा है, खाना अच्छा नहीं बना फिर भी बोल रहा है खाना अच्छा है। कितने बार घास खिलाया फिर भी झूठ बोलना नहीं छोड़ा, ये गधा। रूल नंबर 47 के अनुसार मर्द पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। Yes. वे बिलीव करने लायक ही नहीं होते। इन लोगों को अपने कंट्रोल में रखो। यू आर राइट मॉम। इसलिए रूल नंबर 56 के मुताबिक ये जो कुछ भी बोलता है झूठ ही बोलता है, ये याद रखो। कंसीडर द लास्ट वार्निंग, फिर से झूठ बोला तो। ए चंटी तू कहाँ है बे? स्वर्ग से बस 2 सेंटीमीटर दूर हूँ बाबा। एक जोक मत मार, सही बता। बदमाश, तू कहाँ है? तेरे ऑफिस में बैठा हूँ यार। अच्छा तू वही रहे, एक घंटा तेरा फ्लैट यूज करके आ जाऊंगा। तुझसे अर्जेंटली मिलना है। अर्जेंट है? एक काम कर, तू अर्जेंटली फ्लैट पे आ जा, वही दो पैक लेके डिंग 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 बात करते हैं। सीरियसली बोल रहा हूँ, फ्लैट पे मत जा, वो सेफ नहीं है। इस टाइम पे तेरे फ्लैट से बढ़कर सेफेस्ट प्लेस क्या है वो? साले साले मेरी बात सुन, मत जा। डोंट टॉक। तेरी परमिशन किसको चाहिए? तेरे फ्लैट की चाबी कहाँ रहती है वो मुझे पता है, तू फोन रख के साइलेंट हो जा। अंदर मेरी मरी हुई बीबी है। वो लौट आई है। बहुत अच्छा, एक कैब बुक करता हूँ, एक होटल में जा, जाके वहाँ कॉफी पीते पीते बात करना। अरे पागल, वो भूत बन गई है। 5 भूत सामने आने से भी मूड आने पर किसी की बात नहीं सुनता ये चीरू। साले रिक्वेस्ट समझिए ऑर्डर, पर भूल के भी अंदर मत जाना। फनक फनक। ए, अभी क्या कर रही है? अंदर जाने के बाद करना। ये कैसा ड्रेस है? हर रोज नारी, सारा जीवन ब्रह्मचारी, ये है मेरा लाइफस्टाइल। मतलब पब्लिक में हमारा इमेज डैमेज नहीं होने का ना, इसलिए बोल रहा हूँ सेफ्टी। नॉटी। इसके जीवन में फिगर नहीं है बोल के मेरे जीवन में फिगर आना इसको अच्छा नहीं लगता। जेलस। लाइट ऑन करो ना। क्या बात कर रही है, इस घर के बारे में तुझे पता नहीं है? स्विच बोर्ड पर हाथ लगाया तो सीधा ऊपर। क्यों? वो एक बड़ी कहानी है। बेडरूम में चलो ना। बेडरूम उतनी ठीक नहीं है, ऊपर मास्टर बेडरूम है, सारा सेटअप ढंग होने वाला मैटर। चल ना। ए, इधर आ, मुझसे भी जल्दी। तुमको सबका अपना अपना अरेंजमेंट रहता है, यही रहो। नाइट इज स्टिल यंग, नाइट इज स्टिल। अरे बाप रे, कमाल, तू मामूली आदमी नहीं है।
अंदर चंगा फिगर रख के मेरी बीवी आई है, उसके बाप आए हैं, माँ आई है, सब कहानी बन गया, स्टोरी लिख रहा है। अरे बाप क्या फिगर, खतरनाक फिगर, क्या फिगर, खतरनाक फिगर। छोटी एक तरफ, बड़ी एक तरफ, सिर हाथ लगाओ और मजा ही मजा। अरे चल यहाँ से निकल। अरे क्या हुआ? चल, चल। क्या हुआ बोलो। अरे चल ना यहाँ, जा चल, बहुत मत कर, चल, चल। क्यों, क्या हुआ? ये कौन है? अब चुप। ए कौन हो तुम? रुको मैं बताता हूँ उसको। ये बाय बाय। ए इधर आओ। अब ये यही पे ठीक हूँ सिस्टर, यही बात कर लेते हैं। आओ। आया। Who are you? Businessman sister. आपके हस्बैंड का फ्रेंड सिस्टर। क्या करते हो? Short route to heaven sister. हम लोग का heaven travel से sister, multinational company, जो मर जाते हैं ना उनको सीधा स्वर्ग भेजता हूँ। आप कई बार भी मैंने किया था, आपको एक चीज पता है, आपको 35% डिस्काउंट भी दिया था, आप कैसे आए? तुमने मुझे दफनाया था ना? आप आ जाएंगे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप चाहो तो आपको पैसा वापस कर दूंगा सिस्टर। मैंने बोला था उस पर क्रॉस रखो, उसने फिर भी नारियल फोड़ा। ऐसे मत देखो सिस्टर, डर लग रहा है। सिस्टर में गिरदा।